गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मम्स वायरस के बारे में। मम्स वायरस अभी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उसका चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि मम्स वायरस के कारण क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, किस वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसके प्रिवेंशन और इसके लास्ट में ट्रीटमेंट क्या है। तो आज हम इसमें बहुत ही ब्रीफ में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मम्स वायरस होता क्या है दोस्तों। मम्स वायरस में आपके पैरोटिड ग्लैंड और सलाइवरी जो ग्लैंड होती है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्दन में आपके स्टिफनेस हो जाती है, पेन होता है, आपको फीवर भी आता है और साथ ही साथ आपको निगलने में तकलीफ होती है। कुछ भी चीज़ें अगर आप खाने जाएंगे तो आपको निगलने में तकलीफ होने लगती है। दोस्तों, मम्स वायरस होता किससे है, मम्स का इन्फेक्शन कौन से वायरस से होता है? तो दोस्तों, इसको मम्स वायरस ही बोला जाता है, जो पैरोमैक्स वायरस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, रूबेलोवायरल फैमिली से बिलोंग करता है। अब दोस्तों, मम्स वायरस के सिम्टम्स क्या हैं, कैसा पता करेंगे कि आपको मम्स वायरस के सिम्टम्स है या फिर मम्स वायरस का इन्फेक्शन हो गया है? तो दोस्तों, मम्स वायरस में आपके गर्दन के दोनों साइड में जहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होती है वो आपके सूज जाएगी, वहाँ पे सूजन आ जाएगी। साथ ही साथ सलाइवरी ग्लैंड जो है वो भी आपके सूज जाएगी, आपके वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन होगा और स्टिफनेस होगी, साथ ही साथ वहाँ पे टेंडननेस होगी, वहाँ पे अगर प्रेशर करेंगे तो भी आपको दर्द महसूस होगा। साथ ही साथ आपको कुछ भी चीज़ निकलने में दिक्कत होगी, आपको बुखार आ सकता है, हेडेक रह सकता है, ऑर्थ्रेलिया मतलब आपके हड्डियों में दर्द रह सकता है, माइलजिया आपके मांसपेशियों का दर्द रह सकता है, साथ ही साथ आप में फटीगनेस रह सकती हैं, कमजोरी रह सकती हैं और आपको भूख नहीं लगना या फिर खाने में दिक्कत आना, ये सारे तरह के सिम्टम्स आपको मम्स वायरस में या मम्स के इन्फेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है? तो दोस्तों, मम्स वायरस एक नाम से ही वायरल इन्फेक्शन है, तो ये आपके एयरबॉर्न डिजीज के थ्रू यानी आपके हवा में संक्रमण इसका फैलता है। अगर आपको किसी पेशेंट को मम्स वायरस है तो उसके खांसने से, चीखने से या फिर उसकी कोई चीज़ यूज की हुई आप यूज करते हैं तो भी आपको इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचना है किसी मम्स वायरस या मम्स इन्फेक्शन वाले पेशेंट से, इस तरह से इस वायरस से आप बचा जा सकता है। दोस्तों, मम्स वायरस का ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों, ट्रीटमेंट में आपको वहाँ पे कोल्ड और हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, यानी बर्फ या फिर आपके गर्म सेक वहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ हल्के गुनगुने पानी में नमक में पानी में नमक डाल के उसके आप गरारे कर सकते हैं ताकि अंदर की स्वेलिंग आपके कम हो जाए, इरिटेशन कम हो जाए। आप एंटीबायोटिक मेडिसिन ले सकते हैं जिसमें आप एजिथ्रोमाइसिन वगैरह हो गया, सेफोडॉक्सिन, अमोक्सिक्लेव, इसका इन्फेक्शन के लिए ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप है एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, मोंट्रोलकास लेवोसर्ट्रिजिन का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं और आप पेन किलर यूज कर सकते हैं, नॉन स्टेरॉइड जो भी है पेन किलर वो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके एसिटामिनोफेन हो गया, फिर एसिक्लोफिनेक हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया और आप पैरासिटामोल वगैरह, सेरेसियो पेप्टिडेज का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं आपके स्वेलिंग है तो। इस तरह से आप ये मेडिसिन यूज करके मम्स वायरस के इन्फेक्शन को आप कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको मम्स वायरस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। हम दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, सब अगर।